गाइस, आज मैं आप लोगों के सामने टमाटर का अचार बनाकर ला रही हूँ। ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है और इसे आप चावल के साथ, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। ये खाने में भी बहुत ही लाजवाब है। हम चलते हैं सामग्री की ओर। 1 किलो पका वाला टमाटर ली हूँ और साथ में ये हरी मिर्च, लहसुन और अदरक, इन सभी को मैं दरदरा कूट लेती हूँ। टमाटर को मैं बारीक बारीक काट लेती हूँ। मसाले में मैंने जीरा, सरसों, सौंफ और मेथी, इन सभी को मैं हल्का भून लेती हूँ और इसे दरदरा पाउडर बना लेती हूँ। मैं कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब इन सभी मसालों को मैं भून लेती हूँ। इसे मैं अच्छी तरह से चला लूंगी और भून लूंगी और साथ में 4 से 5 लाल मिर्च डाल करके मैं भून रही हूँ। देखिए गाइस, ये मसाला भून चुका है। अब मैं इसे कढ़ाई से बाहर दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ और इसे मैं ठंडा होने देती हूँ। मैंने गैस में कढ़ाई को चढ़ा दी हूँ और इसमें मैं सरसों तेल को डाली हूँ और इसे मैं गरम कर रही हूँ। तेल गरम हो चुका है, अब मैं इसमें कुटा वाला लहसुन, अदरक और मिर्च का पेस्ट को मैं डाल लेती हूँ और मैं इसे अच्छी तरह से पका लेती हूँ और साथ में मैं करी पत्ता को भी डाल लेती हूँ। इसमें जो पानी होता है वो तेल अच्छी तरह से सोख लेगा, जिससे अचार ज़्यादा दिन तक चलेगा। ये अच्छी तरह से भून चुका है, अब मैं ये अचार मसाला को डाल करके तेल में मिक्स कर लेती हूँ। मसाला पक चुका है, अब मैं इसमें ये कटा वाला टमाटर को मैं डाल लेती हूँ। टमाटर को भी मैं अच्छी तरह से गला लूंगी और पानी को भी मैं अच्छी तरह से सुखा दूंगी। आंच को मैं मीडियम टू हाई कर लूंगी और इसे मैं अच्छी से पकने दूंगी। इसी टाइम में मैं टमाटर में नमक भी डाल देती हूँ स्वाद के अनुसार, जिससे टमाटर भी गल जाएगा। इसे मैं मिक्स कर लेती हूँ। अब टमाटर गलने का मैं इंतजार करती हूँ। गाइस, ये टमाटर गलने लगा है और मैं इस तरह से अच्छी तरह से तोड़ देती हूँ मैं टमाटर को। मैं इसे चलाते रहूंगी। देखिए टमाटर गलने लगा है। अब इसे मैं और गलने तक मैं पका लेती हूँ और जो इसमें पानी है वो भी अच्छी तरह से सूख जाएगा। देखिए गाइस, ये टमाटर गल चुका है, अब ये रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें विनेगर को डाल देती हूँ, जिससे अचार खराब नहीं होगा। इसे आप खाना के साथ, रोटी के साथ खा सकते हैं। जब सब्जी ना हो इसे आप निकाल के खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी अचार है, ये खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। देखिए गाइस, ये हमारा अचार रेडी हो चुका है। हम
हमारा ये टमाटर का अचार बनाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग भी जरूर एक बार घर में ट्राई कीजिए, और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।